das einer her? Jis mein yaar ne paise khaye hain wo jammu mein pair mat rakhe chale jao ab dabaya ja raha hai aaj hame koi police roke hum nahi sunenge namaskar main hoon gayatri gupta aur aap dekh rahe hain spn 9 news bahut hua mahilaon par vaar ab ki baar modi sarkar निसंदेह देश वापस आने के बाद पीएम मोदी ने बहुत बड़ा एक्शन लिया और अब 12 साल से कम उम्र की लड़की के साथ अगर रेप होता है तो फिर उसे सजाए मौत दी जाएगी अगर वो अपराधी घोषित होता है तो ऐसे में पॉक्सो एक्ट में भी तब्दीली लाई जाएगी और ऐसे में कठुआ कांड जो है इस वक्त सबसे ज़्यादा चर्चाओं में आ गया है चर्चाओं में बीते कई दिनों से है लेकिन इसको लेकर फिर से चर्चाओं में आ गया क्योंकि स्वाति मालीवाल दिल्ली महिला आयोग की जो अध्यक्ष है वो अनशन कर रही थी उनका साफ साफ कहना था कि बच्चों के साथ जो रेप करते हैं उन्हें फांसी की सजा दी जाए आज उनका अनशन टूट जाएगा और शायद उन्हें तोड़ भी दिया होगा तो ऐसे में अब पीएम मोदी ने जो बड़ा फैसला लिया है उसके बाद क्या वाकई अब देश में रेप होने बंद हो जाएंगे क्या वाकई बच्चों के साथ जो ये जघन्य अपराध हो रहे हैं क्या उस पर नकेल कसे जाएगी क्योंकि सोच तो शायद पीएम मोदी भी नहीं बदल सकते हैं सोच तो शायद कोई सरकार नहीं बदल सकती क्योंकि सोच तो शायद हम पर ही निर्भर करती है कि हम ही बदल सकते हैं तो ऐसे में कानून का तो रूप ले लिया है लेकिन क्या कानून का दुरुपयोग तो नहीं होगा क्योंकि ऐसी भी कई चीज़ें देखी जाती हैं लेकिन कुल मिलाकर जिस तरह से बच्चों के साथ ये जिस तरह से वारदातें सामने आ रही हैं उसको लेकर फिलहाल मोदी सरकार ने इतना कड़ा एक्शन लिया है लेकिन उसके जो यहाँ पर उनकी आलोचना हुई है उसके बाद उन्होंने एक्शन लिया और शायद यहाँ पर अगर प्रोटेस्ट इतना हल्ला बोल नहीं होता शायद पीएम मोदी भी सोचने पर मजबूर नहीं होते इसीलिए शायद देश में इतना हल्ला बोल होता है इतनी आलोचना होती है इतनी प्रदर्शन होते हैं ताकि पीएम मोदी कोई सख्त एक्शन ले और फाइनली उन्होंने एक्शन लिया है लेकिन ऐसे में क्या महिला सुरक्षा को लेकर अगर यहाँ पर अगर कठुआ कांड को लेकर अगर कोई महिला अगर अपने जज्बातों को जाहिर कर रही है तो क्या उस पर भी कोई कार्रवाई की जानी चाहिए क्या उसको परेशान किया जाना चाहिए अगर श्वेतांबरी शर्मा का जिक्र करूँ जो कि SIT में महिला पुलिस अधिकारी हैं जिन्होंने पूरे केस की छानबीन की किस तरह से उन्हें यहाँ पर मुश्किलों का सामना करना पड़ा उन्हें खुद बताया कि किस तरीके से उनको प्रभावित करने की कोशिश की गई दीपिका की बात करना चाहूँगी जो कि पीड़िता के पक्ष की वकील हैं और पीड़िता पक्ष की वकील हैं उन्होंने किस तरह से वो मुस्तैदी से अपनी लड़ाई लड़ रही हैं और उनका साफ साफ कहना मैं तो इंसाफ दिलाकर रहूँगी चाहे कुछ भी हो जाए तो ऐसे में सोची महिलाएँ किस तरीके से आगे बढ़ चढ़ कर इस केस में इंसाफ दिलाने की एक जद्दोजहद कर रही हैं कोशिश कर रही हैं उसी में एक और महिला का नाम जुड़ा है लेकिन अब इन महिला ने पेंटिंग्स बनाई है और पेंटिंग के जरिए जब इन्होंने कई चीज़ों को उजागर करने की कोशिश की तो इन्हें भी चेतावनी दी गई है मैं आपको खबर दिखाऊंगी ये देखिए ये वो महिला है पेंटिंग्स के जरिए कठुआ रेप का विरोध करने वाली आर्टिस्ट के घर पर फेंके गए पत्थर ये आप देख सकते हैं केरल की एक आर्टिस्ट दुर्गा मलाठी के घर पर गुरुवार रात कुछ अज्ञात लोगों ने पत्थरबाजी की है और दुर्गा का आरोप है कि कठुआ रेप कांड के विरोध में बनाए गए उनकी पेंटिंग्स पर नाराजगी जताने के लिए सिरफरों ने यह कदम उठाया है और पलक्कड़ जिले की रहने वाली दुर्गा ने पुलिस को शिकायत करते हुए आपबीती सुनाई है और रिपोर्ट जो आई है सामने उसके मुताबिक दुर्गा की पेंटिंग्स में एक विशेष समुदाय के जुड़े कई प्रतीक बनाए गए हैं और शक है इसी के खिलाफ दुर्गा पर हमला बोला गया है और बताया जा रहा है कि पेंटिंग में पुरुष के गुप्तांग को कई ढंगों में चित्रित करके विरोध दर्शाया गया है और दुर्गा का आरोप है कि पत्थरबाजी के अलावा उन्हें कई बार धमकियां भी दी गई हैं बताया जा रहा है कि दुर्गा के इन पेंटिंग्स को फेसबुक पर शेयर करने के बाद वो विरोधियों के निशाने पर आ गई हैं इससे पहले शुक्रवार को दुर्गा ने फेसबुक पर पोस्ट किया कि मैंने ऐसी क्या गलती की है बच्चों के साथ रेप की घटनाओं के खिलाफ मैंने कई पेंटिंग्स बनाई हैं और मेरा हर बार विरोध किया गया है लेकिन कोई भी पेंटिंग किसी धर्म के खिलाफ नहीं बनाई गई है और दुर्गा ने कहा कि मैं एक लोकतांत्रिक देश में रहती हूँ और अगर मुझे न्याय नहीं मिलता तो मेरा मानना होगा कि लोकतंत्र एक बड़ा झूठ है और मलाठी ने कहा कि उनके घर पत्थर फेंके जा रहे थे और पड़ोसी चुप्पी साध कर ये सब देख रहे थे इससे साफ जाहिर होता है कि वो भी मेरे खिलाफ हैं और पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे इसके अलावा मैं आपको खबर बताऊंगी एक और कि आखिर पीएम मोदी ने फैसला क्या क्या है पीएम मोदी ने एक बड़ा फैसला लिया कि नाबालिग बच्चों के बलात्कारियों को फांसी की सजा देने के लिए सरकार अध्यादेश लाएगी और आगे वो इसके जरिए कानून बनाएगी और पीएम मोदी के आवास पर इस कठुआ कांड को लेकर जो बच्चों के साथ दुष्कर्म होने इसको लेकर बैठक हुई थी और उन्होंने अध्यादेश लाने को मंजूरी दे दी है लेकिन अभी बात करते हैं ये जो यहाँ पर महिला है दुर्गा मलाठी जिन्होंने पेंटिंग बनाई और पेंटिंग के जरिए इन्होंने निशाना साधा अपनी अभिव्यक्ति यहाँ अपनी अभिव्यक्ति को जाहिर किया लेकिन इनको वहाँ पर धमकी दी गई इन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई है पुलिस थाने में तो ऐसे में आप सोच सकते हैं किस तरीके
तरीके से यहाँ पर अभिव्यक्ति की हमारे यहाँ कहा जाता है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, आपको बोलने की स्वतंत्रता है और अभिव्यक्त करने की आज़ादी है, लेकिन फिर अगर आप अभिव्यक्त कर रहे हैं तो फिर उसकी खिलाफत क्यों की जा रही है। हालांकि हर चीज़ की एक समय सीमा, एक पराकाष्ठा होती है, अगर आप अपने दायरे में रहकर चीज़ों का विरोध करेंगे तो सही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपको बोलने की स्वतंत्रता दी गई है तो आप किसी का अपमान कर देंगे। खैर, उसका तो अपना अपना दायरा होता है, लेकिन यहाँ पर उनका साफ साफ कहना है कि उन्होंने किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाया था, तो ऐसे में उनके खिलाफ ऐसा क्यों किया जा रहा है। तो ऐसे में जिस तरीके से कठुआ कांड को लेकर पूरे देश में बवाल हो रहा है, और ऐसे में पेंटिंग्स के जरिए अगर उस चीज़ को अगर जाहिर किया जा रहा है, तो क्या गलत किया जा रहा है, क्या वाकई गलत है, क्या दर्शकों को लगता है कि अगर कोई किसी के साथ गलत होता है, अगर अपनी भावनाएं जाहिर आप कर रहे हैं तो इसके तो क्या आपको कोई गोली से मार देगा या आपको कोई धमकी देगा। शायद मेरी समझ में तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर इंसान की अपनी राय, हमारे देश में सबको अपने हिसाब से बोलने, जीने, खाने और रहने का अधिकार है। तो अगर ऐसे में अगर कोई इंसान, जैसा कि दुर्गा कह रही हैं कि उन्होंने अपनी बातें कहीं और उनको जिस तरह से धमकी दी गई, वो कहाँ तक सही है। हालांकि उन पर आरोप लगा है कि पुरुषों के गुप्तांग को लेकर उन्होंने कई चीज़ें बनाई और उसको लेकर उनको एक धर्म विशेष की तरफ से यहाँ पर धमकी मिल रही है, लेकिन उनका साफ साफ कहना, मैंने मजहबी रंग तो दिया ही नहीं है। तो ऐसे में जिस तरीके से इन्हें सफ़र करना पड़ रहा है, क्या आपको लगता है कि वाकई सही है? अपने कमेंट के जरिए आप हमें बता सकते हैं कि क्या वाकई कठुआ कांड को लेकर अगर कोई महिला यहाँ पर आवाज़ बुलंद कर रही है तो क्या वो गलत है? क्या वैसे तो फिर ऐसे में तो कोई किसी के लिए आवाज़ बुलंद करेगा ही नहीं। क्यों? सानिया मिर्ज़ा ने कहा था कि अगर हम कठुआ कांड में हुए रेप कांड को लेकर एक साथ खड़े नहीं हो सकते हैं तो हमें शर्म आनी चाहिए इंसानियत पर, और हमें शर्म आनी चाहिए खुद पर कि हम इंसानियत के लिए खड़े नहीं हैं तो फिर हम किसके लिए खड़े हो सकते हैं। तो ऐसे में आप खुद सोचिए किस तरीके से कठुआ कांड को लेकर लगातार जो है यहाँ पर लगातार एक एक देश के कोने कोने से नई नई अपडेट सामने आ रही हैं, और ऐसे में ये जो नई अपडेट थी एकदम अलोखी, एकदम अलग हटके ही अपडेट थी, क्योंकि लगातार इस केस में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से फॉरेंसिक जांच, फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आती है, फिर यहाँ पे पुलिस अधिकारी के बयान सामने आते हैं, जो एसआईटी की महिला पुलिस अधिकारी हैं श्वेतामणि शर्मा, उनका इंटरव्यू सामने आता है, दीपिका जो पीड़िता पक्ष की वकील है उनका बयान सामने आता है। लेकिन कुल मिलाकर जो यहाँ पर पूरा ओवरऑल ये जो केस देखा जा रहा है, इस केस ने कहीं ना कहीं इतिहास में, जैसे कि निर्भया कांड जो है वो इतिहास में दर्ज हो गया है, तो निस्संदेह अब मुझे लगता है कि कठुआ कांड भी इतिहास में दर्ज हो जाएगा, लेकिन हो गया है, हो क्या जाएगा। लेकिन आप सोचिए ज़रा, क्या ऐसी चीज़ें सिर्फ ऐतिहासिक हैं? क्या हम कुछ ऐसा नहीं कर सकते हैं जो कि यादगार रहे कि हाँ इस कांड के बाद ऐसा कुछ हुआ था कि अब देश में महिलाओं के साथ ऐसा जघन्य अपराध, बच्चों के साथ ऐसा जघन्य अपराध नहीं होगा? क्या ऐसा कुछ हो सकता है? क्या कभी आप सोते वक्त और जागते वक्त कभी आपने अपने सोचा कि ऐसा भी होना चाहिए? क्या आप कभी सोचते हैं कि रात के 12 बजे आपकी माँ, आपकी बहन, आपकी दोस्त, आपकी बेटी खुलेआम घूम सके? मैं पुरुषों से बात करना चाहूँगी, क्या आप चाहते हैं? क्योंकि हो सकता है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि अगर जब रात में हो जाता है तो कभी फादर फ़ोन करते हैं, कभी भाई फ़ोन करते हैं, कभी माँ फ़ोन करती हैं, लेकिन क्या एक पुरुष होने के नाते आप नहीं चाहते कि आपकी बेटी एकदम सिक्योर फील करे? अगर रात के 12 बजे भी अकेले आना चाहे तो आ सके, आपको चिंता ना हो उसकी, आपको उसे बाहर भेजने की चिंता ना हो कि कैसे वो काम करेगी, कैसे रहेगी, क्या आप नहीं चाहते? मैं इस वक्त अपने मेरे जो हमारे चैनल के जो मेल जो हैं, मेल जो व्यूअर्स हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि आप नहीं चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं तो अपनी आवाज़ बुलंद करिए, अपनी आवाज़ को उठाइए, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक परी का केस नहीं है, यहाँ पर सिर्फ उन्नाव का केस नहीं है, यहाँ पर सिर्फ निर्भया का केस नहीं है, यहाँ पर सिर्फ ये जो दुर्गा मलाठी हैं जिन्होंने इस केस को लेकर आवाज़ अपनी पेंटिंग के जरिए उठाई है, उनका केस नहीं है, ये सब हमारा केस है, क्योंकि हम सब के घर में बहू बेटियाँ और महिलाएँ हैं, हम सब की बहन हैं, हम सब की माँ हैं, हम सब की बेटियाँ हैं। तो ऐसे में ये सिर्फ केस हमारा और सिर्फ एक का नहीं, हम सब का है। तो क्या ऐसे में क्या पुरुष जो वर्ग है, क्या वो इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद नहीं कर सकता है क्या? क्योंकि पुरुष ही जो हैं वही रेप कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सारे पुरुष खराब हैं, ऐसा नहीं कि सारे पुरुष की सोच गंदी है, लेकिन क्या यहाँ पर पुरुषों की तरफ से कोई कवायद नहीं देखने को मिल सकती है जिससे पुरुषों पर नकेल कसी जा सके, जो कि गंदा काम करते हैं, जो कि इस तरह से हैवानियत करते हैं, जो कि इंसानियत को तार तार करते हैं? मैं आपसे अपील करती हूँ, आप अपने कमेंट के जरिए मुझे बताइए कि आखिर आप क्या चाहते क्या हैं? क्या आप नहीं चाहते कि आपकी घर की बहू बेटी सुरक्षित रहें? क्या आप नहीं चाहते कि इतना बड़ा जो देश है हिंदुस्तान, उसमें जहां पर देवी समान बेटियों को पूजा जाता है, क्या आप नहीं चाहते कि आप उसका एक हिस्सा बन सकें? एक सकारात्मक सोच के साथ, एक सकारात्मक पहल के साथ, आपका अगर कुछ भी है यहाँ पर, आपका कुछ भी मानना है, आप मुझे बताइए, मैं आपकी इस चीज़ को आगे लेकर जाऊँगी, लेकिन आप मुझे बताइए क्या आप नहीं चाहते हैं? और अगर आप चाहते हैं तो चाहते क्या हैं?
क्या होना क्या चाहिए महिला सुरक्षा को लेकर देश में, और क्या ऐसा होना चाहिए जिससे देश में रेप रुक जाए, और क्या वाकई जो ये पीएम मोदी अध्यादेश लाने वाले हैं 12 साल की जो बच्ची है उससे अगर कम 12 साल की बच्ची से 12 साल की कम उम्र की बच्ची के साथ अगर रेप होता है तो सजाए मौत दी जाएगी, आप इसमें क्या सोचते हैं? क्या वाकई ये सही है? अगर नहीं सही है तो क्यों नहीं सही है, अगर सही है तो क्यों सही है, ये आप हमें बताइए ताकि हम अपनी आपकी बात को आगे तक लेकर जाएं, ताकि सरकार उसके बारे में सोचे, क्योंकि सरकार भी अकेले नहीं कर सकती है, क्योंकि सरकार आपकी द्वारा ही चुनी गई है, आपकी तरफ से ही चुनी गई है, आपके आपने ही चुनकर भेजा है, तो ऐसे में आपको ही बताना पड़ेगा सरकार को कि आखिर आप चाहते क्या है, क्योंकि आरोप लगा देते हैं लेकिन आरोप लगाने के पीछे वजह क्या है उस वजह को भी बताइए, क्योंकि ये केस अपने के घर का केस समझिए, पूरे देश का केस समझिए, जिस जो भी समझना है वो समझिए, लेकिन इसको समझिए और मुझे बताइए, मुझे जरूरत है आपके कमेंट्स की, मुझे जरूरत है आपकी सोच की, आप मुझे बताइए कि आखिर आप क्या सोच रहे हैं, क्या लगता है आपको कि देश में आखिर ऐसा क्या होना चाहिए, सरकार को ऐसा क्या करना चाहिए, यहाँ पे आप ये भूल जाइए कांग्रेस या बीजेपी, आप यहाँ बताइए कि आखिर सरकार को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि देश में रेप रुक जाए, चाहे बच्चियों के साथ हो और चाहे महिलाओं के साथ हो जो कि उम्रदराज हैं, चाहे वो युवा हो और चाहे वो बच्चियां हो, क्या लगता है आपको कमेंट बॉक्स के जरिए मुझे बताइए, मैं आपकी आवाज को आगे तक लेकर जाऊंगी। नमस्कार। हमें आज इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। निर्दोषों को फंसाना है। जिस मीडिया ने पैसे खाए हैं वो जम्मू में पैर मत रखे। अब दबाया जा रहा है, आज हमें कोई पुलिस रोके हम नहीं सुनेंगे।